Hello everyone, welcome to the class number 4 of the chapter IT applications. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में. तो आज का हमारा टॉपिक है e-commerce. तो e-commerce क्या है, e-commerce हम क्यों यूज करते हैं, e-commerce एक कैसा एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. e-commerce का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ओके, तो ये e-commerce है क्या या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किया है क्या. इट इज ए पार्ट ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस का एक पार्ट है. तो ई बिजनेस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ई बिजनेस क्या है. ई बिजनेस मींस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ऑनलाइन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. ओके, कोई भी बिजनेस अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन के द्वारा इंटरनेट के द्वारा अगर करते हैं उस तरह के बिजनेस को हम ई बिजनेस बोलते हैं. तो ई बिजनेस में क्या क्या होता है, ऑनलाइन सेलिंग, बाइंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, कैसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कैसे ज्यादा लॉस होगा, कंपनी के बीच पार्टनरशिप, ये सारा चीज होता है बिजनेस के अंदर. पर उसका एक मेन पार्ट क्या है, कोई भी एक बिजनेस का मेन पार्ट क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग. Without selling and buying, we cannot gain the profit, we cannot get the customer, we cannot keep much more employees or much more employees in our company, or we cannot earn that much money. Okay, तो एक e-business या फिर कोई भी एक business का सबसे important part होता है selling and buying. Okay, और ये online selling और buying अगर होता है कोई भी business company के द्वारा internet के माध्यम से, उस तरह के selling and buying को हम बोलते हैं e-commerce. Okay, the online selling and buying of services and goods through internet is known as e-commerce. कोई भी business organization अगर online के through internet के माध्यम से अगर अपना खुद का कुछ product या फिर कोई service अगर हमें sell करता है, अगर हम उससे online के through कोई product खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं e-commerce. So e-commerce simply a part of e-business. Okay, जबकि selling and buying e-business का एक part है, business का एक part है. तो selling and buying को हम जबकि बोलते हैं e-commerce या फिर ट्रेड. ओके, तो जबकि हम सेलिंग एंड बाइंग ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं ई बिजनेस में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ई कॉमर्स. ओके, तो व्हाट इज ई कॉमर्स, ये पता चल गया. तो ई कॉमर्स एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है. बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि ई कॉमर्स के माध्यम से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कस्टमर लिंक कर सकता है, एक कस्टमर के साथ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिंक कर सकता है, और उनके बीच इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदने बेचने के द्वारा उनके बीच मनी का ट्रांजेक्शन भी हो सकता है. ई कॉमर्स एक माध्यम है जिसके द्वारा कि बिजनेस कम्युनिकेशन हो पाता है, और इंटरनेट के द्वारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच क्या हो पाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच ट्रांजेक्शन भी हो पाता है इंटरनेट के माध्यम से. ओके, तो ये एक मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जल्दी बढ़ाने के लिए. ओके, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में अगर कोई प्रोडक्ट हम सेल करेंगे तो क्या होगा कि होल वर्ल्ड के कस्टमर्स को हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा सेलिंग ज्यादा होगा, और सेलिंग जितना ज्यादा होगा हमारा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. ओके, और ई कॉमर्स यूज करने के द्वारा क्या होता है, ई कॉमर्स रेफर्स टू पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन. ओके, पेपरलेस मतलब यहाँ पे हमें पेपर वर्क कुछ करना नहीं पड़ता. अगर कोई कंपनी के बीच कुछ बिजनेस हो रहा है, दो कंपनीज अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके जो पेपर वर्क होता है उसको ऑनलाइन के थ्रू हम कर सकते हैं, उसमें कोई पेपर की जरूरत है नहीं. ओके, उसके बाद अगर कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है अपने कस्टमर को, ओके, तो वहां पे भी पेपर वर्क की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है. तो पेपर वर्क को यहाँ पे रिड्यूस करता है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो के कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो उसके उस पर ध्यान देता है, और उसके साथ साथ एक बिजनेस कम्युनिकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होने का, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के साथ कनेक्ट होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उनके बीच ऑनलाइन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन वाला फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमें, कौन, ई बिजनेस. और ई बिजनेस के पार्ट जो है ई कॉमर्स. ओके, तो ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स यूज करके हम जो सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपक्लूज, ईबे, अलीबाबा, ऐसे मिंत्रा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहां से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको मनी ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, मनी पे करते हैं, जिसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है. ओके, तो ये जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज करता है कस्टमर के साथ कनेक्ट होके इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. जैसे कि
EDI means इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से अपने कंप्यूटर से कस्टमर के कंप्यूटर या फिर मोबाइल में वो अपना सारा प्रोडक्ट का डिटेल्स सारा डाटा प्रोवाइड करता है. ओके, देन ईमेल, अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट सेल मतलब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन जाता है उसके मेल के पास. ईबीबी, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, जैसे कि आप देखे होगे कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप कुछ सर्च करते हो तो उसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि ये प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हर कोई देख पाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड. ओके, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड हमें मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन हम सर्च करना चाहते हैं और अगर पहले से ही कोई उसका क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर प्रोवाइड किया गया है उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स साइट में तो उसको पब्लिकली सब कोई देख पाए तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ईबीबी. देन अनदर मेथड यूज्ड इन ई कॉमर्स इज ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड के द्वारा वो हमें अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिकली या फिर ऑनलाइन के थ्रू मनी ट्रांजेक्शन करने के लिए. वैसे ही और भी बहुत सारे कुछ नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में कस्टमर को या फिर अदर कंपनीज को बेटर सर्विस बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और अपना सेलिंग अपना बिजनेस अपना प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज करने के लिए. और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपने साथ वो लिंक करता है ताकि अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो अगर चाहता है कि अपने कोई फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ वो प्रोडक्ट के बारे में शेयर करे तो वो भी प्रोवाइड करता है ई-कॉमर्स. ओके, जिसके वजह से ज्यादा वो अट्रैक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा यूजफुल हो, ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करें और जितना ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा उसका सेलिंग होगा और जितना ज्यादा सेलिंग होगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा और जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ज्यादा उसका बिजनेस ग्रो करेगा. ओके, इसीलिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को यूज करता है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. ओके, तो समझ आ गया ई कॉमर्स क्या है. इट्स अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, मींस जैसे कि ई बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिंग एंड बाइंग. तो ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ई कॉमर्स. ओके, ई कॉमर्स के माध्यम से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन वो कस्टमर या फिर अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट होके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसके वजह से ये एक क्या है इसको हम बोल सकते हैं ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बिजनेस का, एक बिजनेस को ग्रो करने का, बिजनेस को जल्द से जल्द कम वक्त में बढ़ाने का ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको कि आजकल ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं. और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज करता है ई कॉमर्स साइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट यूजर के साथ ज्यादा यूजर फ्रेंडली मेथड में कनेक्ट होने के लिए या फिर यूजर को ज्यादा बेटर इजी वे फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर साइट के साथ कम्युनिकेट करके प्रोडक्ट को खरीद के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए. ओके, तो समझ आ गया ई कॉमर्स क्या है. तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.